वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करेंगे भाई, बहुत सारे जो भाई पूछ रहे थे कि फ्लैशर की वीडियो बनाओ कैसे, जो हैजार्ड मोड हम ऑन करें, तो आज हमारे पास एक ये KTM RC125 है। एक ये मेरे दोस्त की है, वो मेरी वाली ले गया और मैंने सोचा कि मैं उसकी ले लूँ, मेरे को वीडियो बनानी थी। तो मैं बताऊंगा कैसे कुछ जो फ्लैशर लगेगा और क्या कुछ जो भाई ने अभी तक जो इसमें मॉडिफिकेशन करा रखे हैं। तो वीडियो पूरी तक देखना यार, आजकल आप वीडियो देखते ही नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो देख लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। करता हूँ अब जल्दी से स्टार्ट, बताता हूँ कैसे फ्लैशर को इंस्टॉल करना है और क्या कुछ जो फ्लैशर की कॉस्टिंग रहेगी। अच्छा यो है फ्लैशर, इसमें यो वाला है फ्लैशर, यो 250 का है। यो हाँ यो है मंगवा ले। कित कितने इच्छा है? रुक जा, चांदना दिखा। चांदना है तो फ्लैश। अच्छा एक करंट में चला गया। अच्छा एक करंट में चला गया, एक अर्थ में। और दो इंडिकेटर में चले गए। दो इंडिकेटर में और हो गया। अर्थ और करंट भी दे रखे हैं यार, इसमें क्यों कड़ा दे रखे हैं? ये सीधे तार काट रखे हैं अर्थ और करंट के, मतलब लुप लुप चसनता ही। काला तार दे रखा है बैक लाइट में। अच्छा काला तार आया ब्लैक लाइट में, बैक में। अरे पीले आ गए इंडिकेटर में। हाँ और रेड तार आ गया एक इसमें, टेल लाइट वाला में। अर्थ दे दिया इसमें, बैक लाइट इसमें। हाँ अर्थ बैक में दे दिया और टेल लाइट में दे दिया करंट, टेल लाइट में दे दिया करंट। और बाकी जो बचे हुए इंडिकेटर में जोड़ दिए। और एक डायरेक्ट ले गया, एक डायरेक्ट ले गया, ठीक से एक डायरेक्ट करंट डायरेक्ट अर्थ। हाँ 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 समझ गया भाई। तो देख लो भाई, ये रहा इसका फ्लैशर। तो इस तरह जो ये पैटर्न अभी फ्लैश कर रहे हैं, और ये अपनी नहीं है, किसी भाई की है। तो इसमें बहुत सारे पैटर्न है और फ्रंट में भाई ने एंजल आई लगवा रखी है रेड कलर की। ये रही रेड कलर की एंजल आई। तो जो बैटरी फोन की कम हो गई थी तो फ्लैश नहीं जल पाया था, तो आपने जो देख लिया हो कैसे कुछ जो फ्लैशर लगा रखा है भाई ने। तो अभी ये देखो इस तरह का जो पैटर्न है, हम जब भी की एक बार बंद करके ऑन करेंगे ना तो इसके पैटर्न जो आप देख सकते हो चेंज हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 50-60 जो पैटर्न है इसके इसमें, इस फ्लैशर में। जो इस फ्लैशर की कॉस्टिंग थी वो 250 रुपीज़ जो इस फ्लैशर की कॉस्टिंग थी। और लगाना कैसे है मैं वो बता दूँ आपको। जो चार वायर वाला फ्लैशर लेना आप, ठीक है 250 रुपये या 300-400 रुपये इतना है कुछ इसकी कॉस्टिंग होगी। दो वायर जो येल्लो वायर होती हैं वो आप लगा देना, मतलब जो इंडिकेटर वाली दो सॉकेट है ना उसमें लगा देना। और जो अर्थिंग की है, अर्थिंग वाली वायर इस वाले लाइट के सॉकेट में लगा देना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के, और जो करंट वाले वो आप टेल लाइट में लगा देना। तो आपका जो फ्लैशर जो है जल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। दिखाए जैसे कि आपने देख लिया होगा यार, क्योंकि मैं जल्द से दिखा नहीं पाया क्योंकि जो उस टाइम ही जो फ़ोन की बैटरी लो होगी तो इसी वजह से फ्लैश नहीं जल पाया था। तो एक बार फिर से देखते हैं अब क्या पैटर्न आएगा। देखो अब ये पैटर्न आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फ्लैशर लगेगा जैसे कि आपने देख लिया होगा। तो भाई ने एक ये रेडी टू रेस का यहाँ पे स्टिकर लगा रखा है और एक टैंक पैड लगा रखा है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा है। और टैंक पे भी जो है मैट ट्रांसपेरेंट लैमिनेशन कर रखी है, यहाँ पे भी जो मैट कर रखी है। देखो इस तरह जो फ्लैश कर रहे हैं, एक बार और देख लेते क्या कुछ अब मोड आता है सॉरी। देखो अब ये जो इसमें मोड आ गया, और भाई ने जो है इस बाइक में रेड कलर की एंजल आई लगा रखी है, तो दिखने में ये भी काफ़ी अच्छी है, रेड कलर की है, काफ़ी ना थोड़ा सा डरावना सा लुक देती है ये। तो यह एकदम से, मतलब भाई अभी आए थे तो इस वजह से मैंने सोचा जल्दी से एक बार वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो भाइयों ये थी एक छोटी सी वीडियो फ्लैशर के ऊपर, थोड़ी सी जल्दी मैंने कवर की क्योंकि भाई जो है ना थोड़े शाम को ही आए थे, तो मैंने जल्दी से यार देख लिया। मैं एक बार, आप बहुत सारे लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फ्लैशर की वीडियो बनाओ, तो यार फ्लैशर की वीडियो आ गई है KTM RC125 पे। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट होगी क्योंकि ड्यूक 125 की है, लेकिन KTM RC125 की जो नहीं है। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आजकल आप देखते हैं मेरे थोड़ा सा बुरा लगता है, तो इसलिए देख लेना। अब चलते हैं, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।